तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं कि आप डेली व्लॉग क्यों नहीं बना रहे। डेली व्लॉग हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हमारी एक तो थोड़ी सी लाइफ बिजी चल रही है आजकल, हमारे कंपटीशन आने वाले हैं, प्लस दूसरी बात यह है कि डेली एक सा पैटर्न दिखाने में कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हम किसी को बोर नहीं करना चाहते। हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स आ रहे हैं और आज का व्लॉग अब शुरू करने जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो रिया के स्कूल में हुआ था, उसकी भी क्लिप्स थोड़े से डालूंगा, प्लस एक दो चीजें और बताऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड। तो आज सुबह के इस टाइम पे बज रहे हैं 10:30 और मैडम आज रिलैक्स है क्योंकि कल की 26 जनवरी मनाई हुई है और आज मैडम फिलहाल अभी लंच ब्रेकफास्ट कह लो, लंच कह लो, ब्रंच कह लो, कुछ भी कह लो, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट ही कर रही, लंच ब्रंच कुछ नहीं कर रही। और आज मैडम बहुत धीरे धीरे लगे हुए, नहीं तो अब तक तो मैडम ने 4 रोटियां खा के ऊपर से चाय पी के भाग जाना था स्कूल। मतलब स्पीड, टॉकिंग अबाउट योर स्पीड। और आज हमारी गैस खराब हो गई है, है ना, तो गैस भी ठीक करानी है। ये पड़ी गैस हमारी और इसको भी ठीक करा यार, दूजी ना ले लिया, टिक टिक वाली टिक की थी अपने अब जल पी, बंद की थी अभी जल पी, अमीरों वाली, अमीरों वाली फीलिंग, ठीक है वो ले लिए, इतनी जल्दी मेरा वाली फीलिंग नहीं लगी होती। हाँ, तो जिन लोगों के घर में वो वाली गैस है एक बार यार कमेंट करके जरूर बताना कि वो वाली गैस ज्यादा बेटर है कि ये गैस ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं चेंज करने का। मैडम सोच रही है पति चेंज करने का वैसे तो, पर नहीं वो नहीं हो पाएगा इसके लिए, अगले 70-700 जन्म तक तो नहीं होगा। हाँ मैडम ने सच नई डिमांड निकाली है, डिश वॉशर लेके आओ, कहती है डिश वॉशर ले आओ बर्तन धोने के लिए, और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, फिर हम काम वाली लगा लेंगे, फिर हम इसका बैग पैक करके इसको वापस भेज देंगे, सारे काम तो अपने आप हो जाएंगे, इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, ठीक है, कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? नहीं कुछ कह ले, उन्होंने अपने आप तक कह रहे ना जो कहना होगा, उन्होंने की कहना है, सारे मेनू बहुत प्यार करते, मेनू पता, जल्दी कर ला मैं लेट हो रहा। ओके, तो मेरे पीछे आप देख सकते हो दिस इज गौशाला और हमारे घर का रिचुअल है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। अभी ये शेडेड है सारा, ठीक है, ये नई गौशाला बनी है जलंधर रोड के ऊपर, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे घर का रिचुअल है, जब भी हमारे घर में खाना बनता है तो पहली रोटी जो है वो गौ माता के लिए बनाई जाती है। बहुत दिनों से, मतलब मैं आया तो हूँ लेकिन मैंने शूट नहीं किया यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो आज आपको दिखाते हैं। बस अब जा रहे हैं ऑफिस की तरफ और 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। ये एक्चुअली मुझे रास्ते में पड़ता है तो थोड़ा ईजी हो जाता है, नहीं तो फिर ले जाओ और घर में फिर वहाँ पे वेट करो कोई गाय माता दिखे हमें और उनको हम करें, क्योंकि इट इज़ वेरी वन ऑफ द वेरी ग्रेट जेस्चर ना कि आप ये लोग, आप लोग ये चीज़ें करते हो। हम लोग घर में एनिमल्स रखते हैं, ठीक है, तो उनको भी तो देते हैं खाने के लिए, तो मेरे हिसाब से लोगों को जाना चाहिए एक बारी वीक में, चाहे एक दिन जाओ लेकिन जाओ इनको भी, मतलब खाना दो जाके, अगर आपको कोई दिख रहा है वैसे दिख रही है जानवर दिख रहा है, कोई गाय दिख रही है कोई सड़क पे, तो पानी पिलाओ, बहुत पुण्य का काम होता है। मिलते हैं ऑफिस जाके। तो अभी हम बाहर निकले हैं और इस टाइम पे आज वॉक नहीं कर रहे, आज हम कार में वॉक कर रहे हैं, आज हमारी वॉक कार में है। तो हमारा डिनर हो चुका है और अब हम जा रहे हैं घूमने, एक चक्कर लगा के आते क्योंकि काफी दिनों से हम लोग नहीं गए, है ना। तो अब हम लोग जा रहे हैं दोबारा, जिस हवेली की हम लोगों ने बात करी थी वो दोबारा से चल पड़ी, और रिया बताएगी कि उन्होंने क्या वैलिडेशन दी है। उन्होंने कहा है कि जो उनका जो बाहर वाला सेटअप है जो उन्होंने बनाया है वो आप सेम एज इट इज नहीं बना सकते, अंदर फूड वगैरह वो सब आप दे सकते हो हवेली में, तो इन्होंने अब बिल्कुल लुक चेंज कर दिया, इन्होंने बाहर पर वो छोटे छोटे बेंच टाइप लगा दिए हैं और उसे हवेली का लुक देने की इन्होंने कोशिश की, जैसे एक ट्रैक्टर खड़ा, आगे हवेली दिखाते हैं ना इनको, तो फिर बाद में कुछ चेंजेस उन्होंने किए हैं, ये दिखा दूं। तो जो लोग बेचारे, काफी सारे लोग सैड हो गए थे हमारा वो देखने के बाद, क्योंकि देखा भी बहुत लोगों ने था व्लॉग वाला, तो हवेली अब दोबारा रनिंग कंडीशन में आ गई है, तो आप लोग आए यहाँ पे जरूर एक बारी, क्योंकि शहर में होने की वजह से आई डू थिंक कि ये थोड़ी ज्यादा बेटर वे में चलेगी क्योंकि यूरो पास में है। तो अभी हम जा रहे हैं घर, इसके बाद हम लोग पैदल वॉक पे निकलेंगे, अभी हमारी कार वाली वॉक है, ठीक है। और वो कौन सा था वो फूड कोर्ट, क्या था वो, फूड फॉर यू, कल को ओपनिंग है फूड फॉर यू की, और जो लोग जाना चाहते, कितने बजे ओपनिंग, 2 PM के बाद, तो मतलब तू तो नहीं जा रही जरा स्कूल है, ठीक है ना, तो 2 PM के बाद मतलब कि उनकी ओपनिंग है, और
वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं जिन्होंने जाना है, जो फूडी लोग हैं हमारे व्लॉग देख रहे हैं तो वहाँ पे जाए। हम लोग भी जाएंगे जब हमारा टाइम लगेगा, कल तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि कल मम्मी पापा ने आना है ड्यू टू सम रीज़न, उन्होंने फिर आना पड़ रहा है उन्हें। और बाकी मिलते हैं जल्दी दोबारा। सो एट लास्ट हवेली की ओपनिंग आज हो गई है इसकी, जो हम लोग कल देख रहे थे तो आज ओपनिंग थी ना। साज तो राशि बड़ा होता है, लोकण तो होना ही है। सो अब हम जा रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं, आज हम बिफोर डिनर वॉक पे निकले, कार निरिया ने संभाल लेना था थोड़ा सा, हम जा रहे हैं तो बस अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, फिर देखते हैं। आज मम्मी पापा भी आए हुए हैं तो आज वैसे वो फूड फॉर यू ओपन हो गया है और रिया उस पे 15% डिस्काउंट दे रही है। कल का गजरेला रहता है इसका खाने वाला है ना, जय एंटी डॉक्टर। तो बस अभी हम जा रहे हैं और आपको मिलते हैं दोबारा जल्दी। अभी आपने देखा हमने आपको हवेली दिखाई और अब हम जा रहे हैं पठान मूवी देखने, हमें फ्री टिकट्स मिली हैं और थैंक्स टू सुरभि, ठीक है। ये फ्री टिकट्स कैसे हैं क्यों हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक बार पहले कार पार्क कर लें। तो हम लोग पहुँच गए हैं अभी मूवी देखने के लिए PVR में, राइट। और पठान मूवी हमने जैसे बताया था कि सुरभि ने ये टिकट्स हमें करवा के दी है। हम लोग यहाँ पे दो साल पहले आए थे और तब इतना कुछ था नहीं यहाँ पे, जोड़ी इतने आए जिधर होनी उधर से तो ऑपरचुनिटी लग गई है। हाँ तो फिक्र हो गया उन्होंने, पता नहीं यहाँ पे इस जूडियो का है तो अभी हम तो गए नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्रदर आया था हमारा और सुरभि ने इसलिए हम लोगों को ये फ्री टिकट्स करवा के दिए क्योंकि वो YRF में ऑलरेडी है। अरे कोई ना, तो YRF फिल्म यानी यशराज फिल्म्स के प्रोडक्शन में वो काम कर रही है इस टाइम पे, तो इस वजह से। तो अब चलते हैं आगे। तो अब इस टाइम पे बज रहे हैं 11 और हम लोग जा रहे हैं वापस घर। मूवी का रिव्यू रिया देगी, अच्छी थी, गुड। जो शाहरुख खान लवर्स हैं और सलमान खान लवर्स हैं वो जरूर देखें। सलमान भाई की एंट्री बेस्ट थी, बाकी तो चलो मूवी तो अच्छी थी, नो डाउट, नो डाउट। लेकिन सलमान खान ने नेगेटिव जो रोल किया है बहुत अच्छा किया है। आप एक बार जरूर जाओ मूवी देखने के लिए। मैंने अपने व्लॉग में बोला था मैं देखने नहीं जाऊंगा, बट मूवी वाज ऑसम। और बाद में वरुण से मैंने कहा भी कि चलो इंटरवल हो गया, हम उठ के चलते हैं, घर चलते हैं, आपका मूड नहीं था, तो कह रही नहीं अब तो मैं पूरी देख के जाऊंगा, इनका तो पूरा मूड था, कैमियो भी पूरा देख के आएंगे। हाँ, और मूवी बहुत अच्छी थी, तो आप एक बार जाएं जरूर देखें मूवी। एंड शाहरुख खान रॉक दिस टाइम बिकॉज बॉडी स्ट्रक्चर दैट वाज ऑसम। इस एज में ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप लेके आ रहे हो तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि हम लोग तो भाई जिम वाले हैं यही देखेंगे। और बाकी अलग से बात है कि हमने पॉपकॉर्न खा लिया वहाँ पे, हमारा 500-600 रुपया लग गया है बिना बात का। वो अगर हमें ये इनको ना बाहर से अलाउ करना चाहिए, 10 रुपए का पैकेट आएगा। तो बस अब हम जा रहे हैं घर, तो अब घर में खाना बना हुआ है, बस जाके खाएंगे, सो जाएंगे। सुबह जल्दी स्कूल जाना है, रिया का स्कूल का टाइम चेंज हो गया है अब से, वो सुबह 8:30 बजे निकला करेगी क्योंकि मैं छोड़ने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने सुबह जिम होना है जब से चले जाया करना। सो हमारी सुबह की मीटिंग हुआ करेगी 5:30 बजे और उसके बाद हमारी मीटिंग हुआ करी शाम को 6:30 बजे। तो अगले व्लॉग के लिए, उससे पहले यार हमारा ये वाला व्लॉग लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, हमारी यूट्यूब शॉर्ट्स को प्यार दे रहो, देते रहो। बीच में पता नहीं क्या हुआ था, 2 दिन यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे व्यूज ही नहीं आए, तो आप लोग देखो यार ऐसे मत किया करो, ठीक है। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू ऑल।